तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी को अपना डीपी कैसे एडिट किया हूँ सिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया जो अपना डीपी है वो कैसे एडिट किए हो। ठीक है, इतना अच्छा इतना शानदार अपना हेयर ऑयल पेंट एंड टैटू एंड यहाँ पे जो भी ये कट मारे हो वो आखिर वो कैसे मारे हो मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जो है कि आज मैं आप लोग को अपना डीपी कुछ इस टाइप से एडिट करके सिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को ऐसा डीपी एडिट करना सीखना है तो आपने मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। और थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, मेरा आवाज़ थोड़ा सा इधर उधर बदल के आ रहा है, तो थोड़ा सा मेरे उसके लिए सॉरी मेरे भाई लोग, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मेरा तबीयत खराब है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए वीडियो भी लेट आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपना देखिए ओरिजिनल पिक आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए कुछ इस टाइप से ओरिजिनल पिक है मेरा और इसी पिक को एडिट करके सेम ऐसा आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, तो इतना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हुए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि आपका भाई ऐसा ऐसा वीडियो हमेशा लेके आता रहता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोगों को मेरे जैसा डीपी एडिट करना होगा तो मेरे स्टेप को फॉलो कीजिएगा, तभी जो है कि मेरे जैसा डीपी एडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फोटो को शेयर पर क्लिक करके और पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर लेकर के जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फोटो तो उतना सही नहीं है, बट जो है कि मैं आप लोग को खूब अच्छा एडिट करके दिखाऊंगा। तो देखिए, आप लोग को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद जो है कि आप लोग को एक ऑप्शन मिलता है रिटच का। ठीक है, रिटच पे क्लिक कर लीजिएगा एंड रिटच पे क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, बट जो है कि मेरा ऑप्शन आप लोग को यूज करना है तो आप लोग को सबसे पहले देखिए आप लोग को आगे साइड स्वाइप करना है और यहाँ से देखिए स्किन टोन का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो स्किन टोन जो है कि आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है ना, स्किन टोन लेने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, या सेकेंड नंबर का कलर ले लीजिएगा। ठीक है, और जो है कि आप लोग क्या करेंगे, ऑटो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऑटो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फेस पे देखिए कितना अच्छा लाइट आ गया। ठीक है, मैं बिफोर दिखा दिया एंड आफ्टर देख लिया, कितना अच्छा लाइट आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ऐसे अपने फेस पे जो है कि थोड़ा सा लाइट ले लेना है, फिर से जो है कि डन करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से डन कीजिएगा। ठीक है, डन करने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इधर देखिए आने के बाद देखिए आप लोग को इधर ऑटो का भी एक और ऑप्शन दिखता है। देखिए ठीक से ध्यान से देखिए, इधर एक और ऑटो का ऑप्शन दिखता है, तो इस ऑटो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। एंड क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेता है, लोडिंग लेने के बाद अभी मैं आप लोग को दिखा रहा, देखिए लोडिंग लेने के बाद देखिए आपका फेस, वाह भाई वाह, क्या अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं जीरो कर रहा हूँ एंड फुल कर रहा हूँ, देखिए कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, आप लोग के सामने लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग 46 रख लीजिएगा इसको, 46 रखने के बाद डन करेंगे। ठीक है, डन करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों इधर आएंगे लास्ट में। ठीक है ना, लास्ट में आने के बाद अब जब यहाँ आ गए हैं तो यहीं पर जो है कि अपने लिप को कलर करेंगे, तो हेयर कलर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हेयर कलर पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों रेड कलर पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, बस दोस्तों आप सभी क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार अंडो कर देंगे। ठीक है, अंडो करने के बाद जो है कि मैनुअल ब्रश पे क्लिक कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, ब्रश के साइज को छोटा करके, ठीक है, और सैचुरेशन को फुल करके और अपने लिप पर चला लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, मैं एकदम सेम इसी तरह से अपने लिप को कलर किया था। ठीक है ना, एकदम 100% मैं पहले जैसे शुरुआती टाइम में उतना अच्छा एडिट नहीं करता था, लेकिन डीपी को जो कुछ इसी टाइप से एडिट किया था। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप लोग मैनुअल पर क्लिक करके एंड इरेज पर क्लिक करके अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से जो है कि डन कर दीजिएगा। ठीक, डन करने के बाद यहाँ से दोस्तों आप सभी को क्या करना है, अब जो है कि अपने फोटो को यहाँ से गैलरी में सेव करना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, फोटो को सेव करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्या करना है, अपना फोटो जो है कि शेयर पर क्लिक करके और अपना फोटो लेकर चलना है स्केच लाइट रूम अप्लीकेशन में। ठीक है, वहाँ पर जो है कि अपने फोटो को अच्छे तरीके से एडिट करेंगे, तो एडिट टू एलआर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा वाला कलर ग्रेडिंग करके आप लोग को हम दिखाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत छोटी वीडियो करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग करेंगे एडिट पर क्लिक करेंगे और आप लोग लाइट पर क्लिक कर लेंगे, लाइट पर क्लिक करने के बाद एक्सपोजर को हल्का सा कम कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, कंट्रास्ट को प्लस कर लेंगे, हाईलाइट को फुल माइनस, शैडो को फुल प्लस। ठीक है, और यहां से देखिए व्हाइटनेस को हल्का सा प्लस, ब्लैकनेस को हल्का सा माइनस। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद से आप लोग क्या करेंगे, कलर पे क्लिक करेंगे, कलर पे क्लिक करने मिक्स पे क्लिक करेंगे और यहां से सेकंड नंबर कलर लेके सैचुरेशन को यहां पे आप लोग रख लेंगे 30। ठीक है, और यहां से आप लोग लुमियंस को कर लेंगे प्लस, लुमियंस को 93 प्लस रख लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कुछ इस टाइप से जो कि आपका फेस हो जाएगा, देखिए कितना शानदार तरीके से आपका फेस हो चुका है। ठीक है, अब जो कि मेरे प्यारे दोस्तों अब आप लोग को हम बताएंगे यहाँ से ब्लू कलर को भी छेड़छाड़ करके अपने शर्ट कलर को जो है कि अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद से मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से डन कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके किलाटी को 6
क्लैरिटी के टेक्सचर को 6, क्लैरिटी को 6 और डीएच को 6 कर लेना, ठीक है। और डिटेल्स पे क्लिक करके अमाउंट का आप लोग 70 प्लस रखेंगे, डिटेल्स को फुल रखेंगे और मास्किंग को हल्का सा, फिर सेम काम करेंगे नॉइज में 70 प्लस, डिटेल्स को फुल थोड़ा सा, ठीक। फिर कलर नॉइज में थोड़ा सा, यहाँ 27 एंड डिटेल्स को फुल और रहने देंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए आपका फेस कितना HD हो जाएगा, आप समझ रहे कि बहुत ज़्यादा HD हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब जो है कि आप लोग क्या करना मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से शेयर पे क्लिक करके, शेयर पे क्लिक करके और अपना फोटो लेकर के चलना है फोटो रूम एप्लीकेशन में। यहाँ पे दोस्तों बैकग्राउंड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फोटो रूम एप्लीकेशन में आ चुके हैं, तो कुछ इस टाइप से आप लोग का बैकग्राउंड पे एंड मॉडल पे कुछ इस तरीके से सर्चिंग लेगा, ठीक है। सर्चिंग लेने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी को इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। तो इधर ब्लर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ब्लर वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। अभी जो है कि मैं आप लोग बता रहा हूँ कैसे अपना बैकग्राउंड बनाते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग पर्सन पर क्लिक करना है, पर्सन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट कटआउट पर क्लिक कर लेना है और आप लोग क्या करना है, रीस्टोर पर क्लिक करके जो भी पेड़ वाला ऑप्शन ब्लर हुआ है तो पेड़ वाला ऑप्शन पर ब्रश को चला लेना, ठीक है। वो ब्लरिंग से हट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अभी आप लोग देखिएगा, एक सेकंड देखिए कितना शानदार तरीके से जो कि आपका पेड़ का ब्लरिंग हट गया। फिर यहाँ से डन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ से क्या करेंगे, डन करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड पे क्लिक करके और ब्लर पे क्लिक करके और डिस्क पे क्लिक कर लेंगे, थोड़ा सा हार्ड कर लेंगे, हार्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा डन करेंगे, फिर से बैकग्राउंड पे क्लिक करके एडजस्ट पे क्लिक करके और ह्यू को अपना जो भी कलर बैकग्राउंड को देना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो कलर आप दे सकते हैं, ठीक है। अपना अपने हिसाब से जो कलर दीजिएगा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरा तो ये कलर था, आप जो भी कलर चाहे वो दे सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो मुझे ये कलर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप सभी क्या करना है, इतना काम यहाँ पर होने के बाद आप लोगों को शेयर पर क्लिक करके और अपना फोटो जो है कि शेयर पर क्लिक करके और ले करके चल स्केच बुक एप्लीकेशन के अंदर। सो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए स्केच बुक एप्लीकेशन में आने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। तो आप सभी को क्या करना मेरे प्यारे, लाइब्रेरी में आने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिए सिंथेटिक पेंट में आने के बाद दोस्तों आप लोग को ये ब्रश दिख जाएगा, ठीक है। तो इस ब्रश पे क्लिक करके और सेटिंग पे क्लिक करके और आप सभी को देखिए यहाँ पे सिंथेटिक पेंट लिखा है, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी क्या करना है, समूह कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से फॉलो को आप लोग को रख लेना है 8, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 8 रख लेना है और इसको रख लेना है 30, ठीक है, 30 रख लेना है और उसके बाद डन करना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद से क्या करेंगे, अपने फोटो को जूम करके, ठीक है, और अच्छे तरीके से हल्के हाथों से ब्रश घुमाएंगे, इतना तगड़ा वाला स्मूथ होगा ना मेरे प्यारे भाई, बहुत तगड़ा स्मूथ होगा। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से आपका भाई स्मूथ कर रहा है, बहुत शानदार स्मूथ होगा मेरे प्यारे भाई। बस बस आप लोग को ये वाला ट्रिक अपना लेना है और अपने DP को खूब शानदार तरीके से एडिट कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए कितना शानदार आपका भाई एडिट कर रहा है, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप से आप लोग को हल्के हाथों से ब्रश घुमाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये ब्रश को लेने के बाद, ठीक है। इस ब्रश का सेटिंग कुछ इतना रख लीजिएगा, 8x8:30, ठीक है। और अपना भाई का जो है कि अपने भाई जैसा DP आप लोग को एडिट कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए कितने अच्छे तरीके से कि मेरा कितना अच्छे तरीके से जो है कि मेरा फेस स्मूथ हो रहा है, ठीक है, बहुत ही कम टाइम हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ये वाला तरीका आप लोग को अपनाना है और अच्छे तरीके से अपने फेस को स्मूथ कर लेना, ठीक है। अभी मेरे प्यारे भाई आप लोग को बता दूं कि मेरा फोटो थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो जो कि इसके वजह से थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा है, जितना नहीं चाहिए उतना भी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से आपका भाई स्मूथ कर रहा है, कितना हो इधर उधर घुमाएंगे आपका ब्लैकनेस नहीं आएगा इस ब्रश को लेने के बाद, ठीक है। क्योंकि आपका भाई आप लोग के लिए स्पेशल खोज खोज कर लेके आता है और बताता रहता है सेटिंग ब्रश का, सेटिंग कौन सा ब्रश यूज करने से आप लोग को ब्लैकनेस नहीं आता है। तो देखिए कितना शानदार जो है कि स्मूथ हो रहा है, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई जो है कि आप लोग को स्मूथ करना आता है मुझे पता है, ठीक है, आप लोग को बस तरीका बताना है, ठीक है। तो ये वाला तरीका यूज कीजिए, आपका ब्लैक नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए जो है कितना शानदार तरीके से स्मूथ हो रहा है, ठीक है। कुछ इसी तरीके से आप लोग को स्मूथ करना है HD में, एकदम प्योर HD, ठीक है मेरे भाई, प्योर HD में होगा, ठीक है ना। के सामने देखिए कितना फास्ट और कितना कम टाइम में जो है कि मेरा फेस स्मूथ हो चुका है। तो ब्रश कान पे थोड़ा सा ब्रश साइज छोटा करके और इस तरीके से हल्के हाथों से घुमा लेना है, आपका कान भी स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है कि आप लोगों को कट मारना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए कट भी आप लोग मारना सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए मेरा फेस स्मूथ हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं प्यारे भाई, आप लोग क्या करना है, देखिए इधर भी थोड़ा सा बचा है तो इधर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि फ़ोटो 5300D का है, ठीक है। 5300D का फ़ोटो बहुत सही आता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और 5600D का भी सही आता है, तो मैं 5600D अभी चलाता हूँ, 5300D का फ़ोटो बहुत सही आता है, ठीक है ना।
तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि मेरा फेस स्मूथ हो चुका है, ठीक है। अब जो कि आप लोग कट मारना मैं बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी ये तो टैटू उटू आप लोग सेट कर लेंगे, मुझे पता है। पिकसार्ट एप्लीकेशन में स्टिकर पे क्लिक करके टैटू लिखेंगे, बहुत ज़्यादा टैटू आ जाएगा, तो अपने हिसाब से टैटू ऐड कर लेंगे, ठीक है। अभी देखिए आप लोग क्या करेंगे, लाइब्रेरी पर क्लिक करके, और लाइब्रेरी क्लिक करके देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नीचे एक साइड आना, ठीक है। और देखिए आप लोग को ये वाला ब्रश को चूज करना है, ठीक है। और इस वाला ब्रश को चूज करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, सेटिंग में क्लिक करके कुछ इतना ही रहने देंगे। और कलर को आप लोग क्या करेंगे, ये वाला कलर अपने स्किन का कलर रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, जहाँ भी आपको कट मारना होगा, ठीक है ना, कलर को व्हाइट करेंगे, तभी जो कि मजा आएंगे, ठीक है। जो भी आपको, जहाँ भी आपको कट मारना है वहाँ पे चला लेंगे, ठीक है। चाहे तो छोटा कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जितना बड़ा चाहिए इस तरीके से चला लेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो देखिए मैं इस तरीके से कट किया था, ठीक है। देखिए कितना शानदार लगने लगा, ठीक है, कट भी लग गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब जो है कि आप लोग जा करके टूल विज में अपना अपना हेयर भी ऑयल पेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। आज के ज़माने में सब कोई को सब कुछ पता है, ठीक है। तो आप लोग को देखिए कुछ इस तरीके से इस वे में बता दिया, और तरीका भी बता रहे जाके टूल विज में अपना हेयर ऑयल पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, आपके भाई ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा लेके आता रहता है, ठीक है। चलिए मिलते किसी अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।